सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज मैं आपके लिए बहुत ही खतरनाक वीडियो लाया है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 मोबाइल, मतलब जो भी आपको गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया मिलेंगे मोबाइल्स, तो जो मैं बताने वाला हूँ आपको वीडियो के अंदर। और गाइस मतलब ये सारे जो भी मोबाइल बताऊंगा वो सब आपको 20,000 के अंडर मिल जाएंगे, तो इसलिए यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अभी का अभी जाके लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं जो नंबर्स वाइज है, मतलब ऐसे नंबर्स वाइज नहीं बताऊँगा, 5, 4, 3, 2, 1, मैं मतलब ऐसे ही बता दूंगा लाइन से, जो भी मेरे इसमें लिस्ट में होगा मैं वो ऐसे आपको बता दूंगा, ओके। तो इसलिए यार आप कोई भी मतलब ऐसे मत बोल देना कि मैंने जो फर्स्ट में लास्ट में देखो, समझ रहे हो ना मतलब। तो चलिए यार फिर बढ़ते फर्स्ट नंबर की तरह। जो फर्स्ट नंबर का मोबाइल आता है वो रियलमी नार्जो 30 प्रो। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है मीडियाटेक का मतलब जो प्रोसेसर है 800U का 5G जब मतलब सभी फोन यार 5G है, तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक का जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 5G है तो बहुत ही खतरनाक। और इसके साथ ही साथ आपको 120Hz की डिस्प्ले मिल जाती है, और इसके साथ ही साथ आपको 30W का चार्जर और 5000mAh की बैटरी भी आपको मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे आपको 14MP कैमरा और 60MP का कैमरा फ्रंट पे मिल जाता है। 5G फ़ोन है भाई, बिल्कुल यार मतलब कतई ओपी है 5G फ़ोन, और साथ ही साथ साइड माउंटेन भी इसका मतलब फिंगरप्रिंट है। तो भाई आप लोग कमेंट बताना कि आप लोगों को ये वाला जो मोबाइल है वो कैसा लगा, मतलब अंडर 20,000 के अंदर, जल्दी से आके कमेंट बताना। तो गाइस पे बढ़ते अपने नेक्स्ट मोबाइल की तरफ। तो नेक्स्ट मोबाइल है रियलमी का X7 5G का, ओके। तो ये वाला फ़ोन है, तो इसको हम लोग देखते हैं फिर इसके अंदर क्या है। तो गाइस अभी का भी जाकर वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया होगा। तो गाइस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का 800U प्रोसेसर, उसकी तरह सेम मिल जाता है। 50W का चार्जर, आपको सुपर चार्जर मिल जाता है, सुपर एमोलेड इसकी डिस्प्ले है, और 64MP का आपको कैमरा मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा जो सेटअप इसके अंदर लगा हुआ है। और गाइस आपको साथ ही साथ आपको फ्रंट में 60MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और ये सबसे मतलब स्लिम फ़ोन भी ऐसे माना जाता है। तो देख सकते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो गाइस इसके अंदर भी आपको सेम मतलब मिल जाता है 5G का डुअल, और 4000 मतलब MAH की बैटरी है ये भी, और इन डिस्प्ले उसको इसके अंदर फिंगरप्रिंट भी आपको मिल जाता है। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा जल्दी से आके कमेंट बताना। तो गाइस फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोबाइल की तरफ। तो नेक्स्ट मोबाइल है Poco X3 का। तो गाइस ये मोबाइल तो मुझे लगता है भाई तहलका मचा देगा मार्केट के अंदर, क्योंकि यार इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 33W का आपको चार्जर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ गाइस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 5000 mAh की आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। तो भाई मतलब और क्या चाहिए, और देखो भाई इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको। तो इसके अंदर आपको 120Hz की डिस्प्ले मिल जाएगी, Snapdragon 860 का सपोर्ट है भाई, Snapdragon 860 का सपोर्ट। यही बात मुझे भाई सबसे कतई जहर लगती है यार, क्योंकि यार Snapdragon 860 भाई किसी को भी नहीं देता था, तो भाई कतई ओपी मुझे यही लगता है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को इनमें से कौन सा फ़ोन अभी तक क्या अच्छा लगा। तो गाइस फिर जल्दी से बढ़ते नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। तो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन आता है उसका नाम है सैमसंग की तरफ से आता है Galaxy M42 5G। तो बहुत ही खतरनाक फ़ोन है, अभी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है Snapdragon 750G का प्रोसेसर, और AMOLED डिस्प्ले, क्वाड कैमरा सेटअप भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो फिर देखते हैं भाई नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है। तो रेडमी का आता है, रेडमी का Note 10 Pro आता है। तो भाई कतई ओपी मोबाइल भाई, मतलब मेरे को भाई पर्सनली यही मोबाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। अभी देखो भाई इसके अंदर कैसे क्या खास चीज़ें, मतलब मुझे Poco X3 भी अच्छा लगा इसमें से, और रेडमी का Note 10 भी अब अच्छा लगा था। अब देखिएगा इसके अंदर खास कौन सी चीज़ें। तो गाइस देखो इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिल जाता है Snapdragon 768G, तो ये एक बढ़िया बात लगी। फिर उसके बाद आपको 6GB रैम मिल जाता है, 128GB स्टोरेज भी मिल जाता है अंडर 20,000 के अंदर, आपको ये देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 32MP का, और क्वाड कैमरा सेटअप इसका है, मतलब क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, और साथ ही साथ इसका जो बेस्ट कैमरा है वो 108MP का। तो मतलब सोचो यार 108MP का आपको कैमरा मिल जाता है, और उसी के साथ ही साथ गाइस आपको इसके अंदर 120Hz की डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाएगी। डुअल सिम है 5G का, सेम सभी फ़ोन की तरह आता है इसके अंदर भी, और 35W का इसका जो बढ़िया चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग का ये वाला जो फ़ोन है कैसा लगा, जल्दी से कमेंट में बताना। तो आप लोग किन में से को बताना कि आप लोग को कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, बेटर लगा, तो भाई कमेंट में सब कुछ बता देना। तो गाइस आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से करना इस वीडियो को लाइक, और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए यार मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।